माना जाता है कि चीन दुनिया का पहला देश है जहां से एग्जाम की शुरुआत हुई। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम जो एग्जाम देते हैं उसका लेवल भी बढ़ता है। एग्जाम से पहले अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, जबकि एग्जाम के दौरान हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम टॉप पर होना चाहिए, जो तभी हो सकता है जब हम शांत दिमाग से पेपर दें। इसलिए एग्जाम के दौरान हमें स्ट्रेस से कोसों दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन 7 टिप्स की जिसको फॉलो कर हम पेपर में टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। पेपर मिलने पर आपको सबसे पहले उन सवालों के जवाब देना चाहिए जिनको लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में यह जरूरी नहीं होता कि सभी सवालों के जवाब आपको क्रम से पता हो। इसलिए सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखें जो आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि इससे आपका सोचने में लगने वाला समय बच जाता है और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। टिप नंबर 2, अपने आंसर को ज्यादा शब्दों में ना लिखें। पेपर देते समय सवाल का सटीक और कम शब्दों में जवाब लिखने की कोशिश करें। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि पेपर में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। अपने आंसर को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते, और ऐसा करके आप समय खराब ना करें। कुछ स्टूडेंट का ये भी मानना है कि ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से टीचर उन्हें ज्यादा मार्क्स देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। टिप नंबर 3, ऑप्शन वाले प्रश्नों को सोच समझकर चूज करें। एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनके एक या एक से ज्यादा ऑप्शन दिए होते हैं। इन ऑप्शंस में से आपको किसी एक सवाल को जवाब देने के लिए चुनना होता है। ऐसे में आप उस सवाल को चुनें जिसके बारे में आपको काफी जानकारी हो, या फिर जिस सवाल का जवाब आपको ठीक से याद हो, क्योंकि कभी कभी तो स्टूडेंट जल्दबाजी और प्रेशर की वजह से ऐसे प्रश्नों का चुनाव कर लेते हैं जिसको वे सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले विकल्प में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। टिप नंबर 4, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करें, लेकिन अगर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है तो आप उतने ही प्रश्नों का उत्तर दें जितना आपको अच्छे से पता हो, और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सभी प्रश्नों को हल करें। ऐसे में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हर सवाल का लगभग 30-40% जवाब आप सही लिखेंगे, जिसके लिए आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल सकते हैं और आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा। टिप नंबर 5, उत्तर पुस्तिका को सजाने में वक्त बर्बाद ना करें। परीक्षा में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कई रंग के पेन और पेंसिल से हेडिंग आदि लिखकर और चित्र बनाकर उत्तर पुस्तिका को सजाने संवारने में समय बर्बाद कर देते हैं, और यही रीजन है कि दूसरे सवालों के जवाब लिखने का समय नहीं मिलता। और एग्जाम में सिर्फ 2 ही पेन का इस्तेमाल करें, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन और बाकी आंसर के लिए ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें, और डायग्राम बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का ही यूज करें। टिप नंबर 6, सवालों के जवाब पॉइंट्स बनाकर लिखें। सभी सेंटेंस को एक साथ लिखने की बजाय पैराग्राफ में लिखना ज्यादा अच्छा होता है। प्रत्येक उत्तर के पहले और बाद में एक या दो लाइन छोड़कर लिखें। इससे आपको किसी उत्तर में बाद में कुछ और पॉइंट्स जोड़ने में आसानी होगी और आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखेगी। टिप नंबर 7, शांत मन के साथ एकाग्र होकर पेपर हल करें। बोर्ड परीक्षा में पहली बार पेपर देते समय छात्र काफी घबराए रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर सीधा आपके माइंड पर पड़ेगा और इस वजह से आप सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी हमेशा शांत और केंद्रित रहें, और इन टिप्स और सुझावों को अपनाते हुए आप पेपर दें, जिससे आप मनचाहे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।